एक दो क्वेश्चंस मैं आपको बाद में करा दूंगा लास्ट में, ठीक है? यूनिट 1 कंप्लीट होने के बाद करा दूंगा, ठीक है? सो इज स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर, वैसे ओके फाइन, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग यू कैन राइट मॉडलिंग ऑफ रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। ओके, सो इन प्रीवियस क्लास वी हैव सीन न्यूमेरिकल फॉर मॉडलिंग ऑफ ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम। ओके, वी हैव सीन फ्री बॉडी डायग्राम फॉर डिफरेंट मासेस फॉर द सिस्टम, एंड वी हैव सीन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑल्सो कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन फॉर ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम। ओके, इन सेम वे वी कैन डिफाइन मैथमेटिकल बिहेवियर ऑफ रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। ओके, सो रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम और ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम को रिलेट कैसे करना है? सो ऑलरेडी वी हैव सीन ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है? आपको मैंने बताया था कि ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में 3 पैसिव एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स थे? इनर्सिया, ओके, स्प्रिंग एंड डैशपोर्ट और डैम्पर एलिमेंट, और यू कैन से मास एलिमेंट, स्प्रिंग एलिमेंट, डैशपोर्ट और डैम्पर एलिमेंट। सिमिलरली इन रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम वी हैव 3 मैकेनिकल पैसिव एलिमेंट्स। फर्स्ट इनर्सिया एलिमेंट, सेकेंड स्प्रिंग एलिमेंट, थर्ड डैशपोर्ट एलिमेंट और डैम्पर एलिमेंट। ओके, मॉडलिंग आपको ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम की तरह ही करना है। ओके, डिफरेंस क्या होगा? ऑलरेडी मैंने आपको मॉर्निंग क्लास में बताया था, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में फर्स्ट वी हैव मास एलिमेंट, ओके, नेक्स्ट वी हैव स्प्रिंग एलिमेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ओके, नेक्स्ट वी हैव डैशपोर्ट एलिमेंट, कॉफिशियंट बी, ओके, वी हैव अप्लाइड फोर्स इन ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम, वी हैव डिस्प्लेसमेंट एक्स, वेलोसिटी बी, ओके, एसेलरेशन ए। यू कैन डिफाइन वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू dx/dt। सिमिलरली यू कैन डिफाइन एसेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू d²x/dt². ओके, सिमिलरली इन रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम वी हैव फर्स्ट इनर्सिया एलिमेंट, ओके, नोटेशन जे, जे विल डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्सिया। ओके, फर्स्ट वी हैव इनर्सिया एलिमेंट, इनर्सिया एलिमेंट, ओके, वी कैन डिफाइन विद द हेल्प ऑफ जे, जे विल डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्सिया। सेकेंड स्प्रिंग एलिमेंट, नोटेशन विल रिमेन सेम, के विल डिफाइन स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। ओके, थर्ड एलिमेंट इन रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम वी हैव डैशपोट एलिमेंट और डैम्पर एलिमेंट। फाइन, सो फॉर डैशपोट एलिमेंट और डैम्पर एलिमेंट वी हैव कॉन्स्टेंट बी, सो इट विल ऑल्सो रिमेन सेम इन रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। ओके, क्या क्या चेंज होगा रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में? ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में वी हैव अप्लाइड फोर्स F(t), इन रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम वी हैव अप्लाइड टॉर्क कैपिटल टी फंक्शन ऑफ टी। ओके, इन रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम वी हैव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नोटेशन थीटा, वी हैव एंगुलर वेलोसिटी, नोटेशन ओमेगा, वी हैव एंगुलर एसेलरेशन, नोटेशन अल्फा। वी कैन डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू ओमेगा इक्वल टू d θ/dt। सिमिलरली वी कैन डिफाइन एंगुलर एसेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद द हेल्प ऑफ अल्फा इक्वल टू d²θ/dt². ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक नोटेशन था दोनों के केस में, ट्रांसलेशनल के केस में और रोटेशनल के केस में। ठीक है, अब ट्रांसलेशनल वाला ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में अपोजिंग फोर्सेस कौन कौन से थे एक बार आप बताएंगे? ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में अपोजिंग फोर्सेस कौन कौन से थे? इनर्शिया, इनर्सिया फोर्स, ओके, फर्स्ट FMT, वैल्यू सबको पता है, मास इनटू एसेलरेशन, यस सर, तो MM d²x/dt². dt² सेकेंड अपोजिंग फोर्स कौन सा था?
if you spring have force. A spring, right? A spring force notation FKT value a spring Eight. Constant into displacement. That's right. Third, we have damper. Damping, damping force, or you can say due to dashboard or due to damper. Damper. So, notation FBT. Okay. Value constant into velocity. You can by dt. In terms of displacement dx by dt. Same way में rotational mechanical system में we have opposing torques. तो first torque कौन सा होगा? जैसे translational में आपने first बोला inertia force, second spring force, third damping force. Okay, first आपने कहा inertia force, second आपने बोला spring force और रीस्टोरिंग फोर्स, थर्ड आपने बोला डैम्पिंग फोर्स. सिमिलरली रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में फर्स्ट वी हैव इनर्सिया टॉर्क. तो इनर्सिया टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? नोटेशन क्या होगा इनर्सिया टॉर्क के लिए? कैपिटल टी, ओके, सबस्क्रिप्ट टी, फंक्शन ऑफ स्मॉल टी. वैल्यू कितनी होगी? जे जे इंटू एंगुलर डी स्क्वायर थीटा बाय डीटी स्क्वायर. सिमिलरली वी कैन राइट स्प्रिंग टॉर्क. तो स्प्रिंग टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? टी सबस्क्रिप्ट के फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू के इनटू थीटा. फाइन. लास्ट वी हैव डैम्पिंग टॉर्क वैल्यू. फर्स्ट वी हैव नोटेशन टी सबस्क्रिप्ट बी फंक्शन ऑफ टी. वैल्यू कितनी होगी? कॉन्स्टेंट इंटू एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी. सो वी हैव बी डी थीटा बाई डी टी. ठीक है. तो जहां पर आप ट्रांसलेशनल के केस में अपोजिंग फोर्सेस लिखते थे, इनर्सिया फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में आपको डिफाइन करना है फर्स्ट इनर्सिया टॉर्क, सेकेंड स्प्रिंग टॉर्क, थर्ड डैम्पिंग टॉर्क. ओके. ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में अप्लाइड फोर्स होगा, रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में अप्लाइड टॉर्क होगा. ठीक है. तो टेबल क्लियर है सबको? एलिमेंट्स के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सेम रहेगा. जैसे हमने ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में मास दिखाया था, स्प्रिंग दिखाया था, डैशबोर्ड दिखाया था, मास आपने दिखाया था. ओके. सेम वे में आपने स्प्रिंग दिखाया था कांस्टेंट के, देन फिर आपने डैशबोर्ड दिखाया था कांस्टेंट बी. सेम वे में रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में फर्स्ट वी हैव इनर्सिया एलिमेंट. ओके. तो इनर्सिया एलिमेंट को हम इस तरीके से दिखाएंगे, और मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना है? जे. सेकेंड वी हैव स्प्रिंग एलिमेंट कॉन्स्टेंट के. थर्ड वी हैव डैशबोर्ड एलिमेंट कॉन्स्टेंट बी. ठीक है. तो एलिमेंट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अप्लाइड टॉर्क और अपोजिंग टॉर्क्स में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सभी को नोटेशन क्लियर है? टेबल में सभी को नोटेशन क्लियर है? एक बार आप नोटेशन देख लीजिए टेबल में. किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए. नो सर. ठीक है. तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम होगा या रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम होगा विद द हेल्प ऑफ नोटेशन. ओके. विद द हेल्प ऑफ अप्लाइड फोर्स, विद द हेल्प ऑफ अप्लाइड टॉर्क, और विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वी कैन इजिली रिकॉग्नाइज वी हैव ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम और वी हैव रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम. ओके. आपको क्या करना है? सिस्टम का मैथमेटिकल बिहेवियर डिफाइन करना है. मॉडलिंग ऑफ सिस्टम मीन्स मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम. और मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, मे बी अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन और मे बी अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर फंक्शन. तो क्वेश्चन में आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन भी पूछ सकता है, आपसे ट्रांसफर फंक्शन भी पूछ सकता है. लेकिन अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करना होगा तो सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. जैसे ट्रांसलेशनल में हमने मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, सेम वे में
रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में हम इनर्सिया एलिमेंट के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जैसे हमने ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में फोर्स इक्वेशन लिखी थी, सेम वे में रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में हम टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे। तो जो टॉर्क इक्वेशन आएगी, मोमेंट ऑफ टॉर्क, टॉर्क इक्वेशन आएगी इनर्सिया एलिमेंट के लिए, वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर उसने ट्रांसफर फंक्शन पूछा है तब आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, तो प्रोसीजर सेम रहेगा, ओके, जो हमने ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में फॉलो किया था सेम प्रोसीजर आपको रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में फॉलो करना है, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन बताऊं मैं आपको, एग्जांपल बताऊं रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम का? यस सर। ओके, सो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसको सभी लोग नोट कर लेना, मे बी हो सकता है कि नोट्स में एज इट इज ना दिया हो। ओके, सो नोट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर द सिस्टम, ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द सिस्टम, ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर द सिस्टम। ओके, अब आपको दिया नहीं होगा कि ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम है या फिर रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम है, आपको रिकॉग्नाइज करना है कौन सा सिस्टम है आपके पास। क्वेश्चन में केवल इतना पूछा गया है ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द सिस्टम, ओके, फॉर द सिस्टम। फाइन, सिस्टम आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी हो सकता है। सो यस्टरडे वी हैव सीन मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, केवीएल एंड केसीएल। ओके, इन मॉर्निंग क्लास वी हैव सीन मॉडलिंग ऑफ ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम, ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। ओके, इन सेम वे वी कैन डिफाइन मॉडलिंग ऑफ रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। सो लेट अस सी, वी हैव सिस्टम, वी हैव मैकेनिकल सिस्टम, फर्स्ट वी हैव इनर्सिया एलिमेंट, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्सिया J1, ओके, अप्लाइड टॉर्क वी हैव कैपिटल T, ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर J1 वी हैव θ1, नेक्स्ट एलिमेंट वी हैव स्प्रिंग कॉन्स्टेंट K1, नेक्स्ट वी हैव इनर्सिया एलिमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्सिया J2, ओके, नेक्स्ट एलिमेंट वी हैव स्प्रिंग कॉन्स्टेंट K2, ओके, नेक्स्ट वी हैव इनर्सिया एलिमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्सिया J3, एंड लास्ट वी हैव स्प्रिंग कॉन्स्टेंट K3। K3 का सेकेंड एंड फिक्स्ड है, ओके, आप यहां लिख लेना सेकेंड एंड K3 का फिक्स्ड है। फाइन, ओके, J2 के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2 और J3 के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ3, ओके, और J1 के लिए फ्रिक्शन कॉफिशियंट B1, J2 के लिए वी हैव B2 एंड फॉर J3 वी हैव B3। आपको रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम दिया है बिकॉज वी हैव इनर्सिया एलिमेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्सिया वी हैव J1, J2, J3, वी हैव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स θ1, θ2, θ3, ओके, एंड वी हैव अप्लाइड टॉर्क, सो दैट्स व्हाई यू कैन से वी हैव रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। अब आपको सिस्टम के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस को? कितनी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी यहां पर, कितनी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी? 1, 2 और 3 और मोर देन 3? हाँ जी बताइए, कितनी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी? 1, 3 होनी चाहिए सर। 3 होनी चाहिए, कैसे 3 क्यों होंगी? J1, J2, J3 के लिए। J1, J2, J3 के लिए, ओके। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम J1 का। हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे J1 का, बिकॉज हेयर वी आर अप्लाइंग टॉर्क ऑन फर्स्ट इनर्सिया एलिमेंट, सो फर्स्ट वी विल डिफाइन फ्री बॉडी डायग्राम फॉर J1।
Then we will define free body diagram for J2, and in last we will define free body diagram for J3. Okay, so we have first torque equation for J1, second torque equation for J2, third torque equation for J3. So total we have three differential equations. जैसे ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में हम मासेस के अकॉर्डिंग डिफाइन करते थे डिफरेंशियल इक्वेशंस को, सेम वे में यहां पर हम इनर्शिया एलिमेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे कि कितनी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। ओके, सो सबसे पहले आप J1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, कोशिश करिए एक बार J1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की, और इक्वेशन बताइए, कोशिश करिए इक्वेशन लिखने की। जैसा आपने मास एलिमेंट के लिए बनाया था फ्री बॉडी डायग्राम, सेम वे में आपको इनर्शिया एलिमेंट के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फर्स्ट सी हाउ वी कैन डिफाइन, हाउ वी कैन ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर जे वन। किसी ने कोशिश की बनाने की, यस और नो? ठीक है, ओके। So, सबसे पहले आप अप्लाइड टॉर्क लिख लीजिए। डायरेक्शन क्या है अप्लाइड टॉर्क की, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अपोजिंग टॉर्क्स यू नो वी हैव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फाइन, ठीक है। तो अप्लाइड टॉर्क टी है, अपोजिंग टॉर्क्स कौन कौन से होंगे, अपोजिंग टॉर्क्स कौन कौन से होंगे सर? इनर्शियल टॉर्क फॉर जे वन। हाँ, फर्स्ट फॉर जे वन। डायरेक्शन बताइए सर, एंटी क्लॉकवाइज। फाइन, ओके। वैल्यू बताएंगे जरा इसकी आप, टी जे वन बताइए कितनी होगी, टी जे वन फंक्शन ऑफ टी वैल्यू कितनी होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू डी टू सर, डी स्क्वायर थीटा वन अपॉन डी टी स्क्वायर। फाइन, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। सो फर्स्ट अपोजिंग टॉर्क वी हैव ड्यू टू जे वन इटसेल्फ। अब आप कॉमन एलिमेंट देखिए, जे वन किससे कनेक्टेड है? जे वन आपका स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और स्प्रिंग का कांस्टेंट के वन है। ओके, सो वी हैव सेकेंड अपोजिंग टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग के वन, और नोटेशन क्या होगा इसका, टी के वन सबस्क्रिप्ट के वन फंक्शन ऑफ टी। वैल्यू बताइए, के थीटा वन। के वन नहीं, नहीं नहीं, आप देखो के वन कॉमन एलिमेंट है। हाँ राइट, के वन थीटा वन माइनस थीटा टू, थीटा टू। अब देखिए जे वन के लिए आपको फ्रिक्शन कॉफिशियंट बी वन भी दिया हुआ है, इट मीन्स we also have opposing force due to dashpot or due to friction of coefficient b1, ठीक है, ओके। और इसकी नोटेशन क्या होगी, t subscript b1 function of t। वैल्यू बताएंगे आप इसकी, सिंपल है, b1, और केवल b1 j1 के लिए है, इट मींस b1 कितना सर, d theta 1 upon d, राइट, डी थीटा वन बाई डी टी। फाइन, इतना ठीक है, किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब आप टॉर्क इक्वेशन लिख सकते हैं जे वन के लिए, अप्लाइड टॉर्क कितना है, टी इक्वल टू सम ऑफ अपोजिंग टॉर्क्स, मींस वी हैव टी इक्वल टू जे वन डी स्क्वायर थीटा वन बाई डी टी स्क्वायर प्लस के वन थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस बी वन डी थीटा वन बाई डी टी। सो दिस इज फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और टॉर्क इक्वेशन फॉर इनर्शिया एलिमेंट जे वन। ओके, दिस इज फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और टॉर्क इक्वेशन फॉर फर्स्ट इनर्शिया एलिमेंट जे वन। सिमिलरली वी कैन डिफाइन सेकेंड टॉर्क इक्वेशन फॉर जे टू इफ वी विल ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर जे टू, एंड वी कैन ऑल्सो डिफाइन
third torque equation for J3 according to free body diagram for J3. तो कोशिश करिए एक बार आप J2 का free body diagram बनाने की. J1 का तो सिंपल है, J2 में आप दो अप्रोच से फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं. सुबह वाली क्लास में जैसा बताया था उसको याद रखना, जो कॉमन एलिमेंट है J1 J2 के लिए उसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसको आप अप्लाइड टॉर्क भी कंसीडर कर सकते हैं, आप उसको अपोजिंग टॉर्क भी कंसीडर कर सकते हैं. जो कंसेप्ट ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में बताया था सेम इज एप्लीकेबल फॉर रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम. ओके, तो कोशिश करिए एक बार J2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की. एक बार J2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करिए और डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने की कोशिश करिए. J2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने की कोशिश करिए. बनाया? नहीं बनाया? बना रहे हैं सर. चलो एक बार बना के देखो, जहां मिस्टेक होगी वहां देख लेना, कहां चेंज हुआ है वहां आप देख लेना, कहां गलती हुई है आपसे. तो K1 की वजह से जो टॉर्क होगा उसको आपने अप्लाइड टॉर्क कंसीडर किया है सर? नहीं. ओके, अपोजिंग कंसीडर किया है? सर. ओके फाइन, ठीक है. दोनों अप्रोच से आप बना सकते हैं, ध्यान रखना जो आपको समझ में आ जाए उस अप्रोच का यूज करके आप फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं. सुबह भी हमने देखा था आंसर सेम आएगा, सेम वे में यहां पर भी दोनों के अकॉर्डिंग आंसर सेम आएगा. मैं दोनों बता देता हूं J2 के लिए, ठीक है? आप सेम वे में J3 का बनाना. बनाया सभी ने J2 के लिए? कर लिया सर. ओके ठीक है. सो लेट अस सी फ्री बॉडी डायग्राम फॉर इनर्सिया एलिमेंट, सेकेंड इनर्सिया एलिमेंट ऑफ वैल्यू J2, ठीक है? ओके, सो लेट अस सी. ठीक है, अगर मैं K1 की वजह से जो टॉर्क है उसको अगर अप्लाइड टॉर्क कंसीडर करता हूं तो उस केस में वैल्यू कितनी होगी? डायरेक्शन सबको पता है, क्लॉकवाइज होगी, यस और नो? यस सर. ओके, और वैल्यू कितनी होगी इसकी? K1 राइट माइनस थीटा टू. राइट, थीटा वन माइनस थीटा टू. सबसे सिंपल सा कंसेप्ट है, जो आपने प्रीवियस केस में लिखा हुआ उसको एज इट इज लिख दो. प्रीवियस केस में आपने वैल्यू लिखी है K1 थीटा वन माइनस थीटा टू. जब आप J2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो सेम वैल्यू लिख दो, लेकिन डायरेक्शन होगी अप्लाइड टॉर्क के अकॉर्डिंग, बिकॉज हेयर वी आर एज्यूमिंग K1 थीटा वन माइनस थीटा टू एज अप्लाइड टॉर्क. फाइन, अब अपोजिंग टॉर्क्स बताइए. सर J2 की वजह से. J2 की वजह से, फाइन. वैल्यू बताएंगे आप? डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख देता हूं, ठीक है ना? कितना होगा? J2 d square थीटा 2. ओके, J2 d square थीटा 2 आएगा ना? यस सर. ओके, डिवाइडेड बाय dt square. फाइन, ठीक है. तो फर्स्ट अपोजिंग टॉर्क हो गया. नेक्स्ट बताइए. स्प्रिंग K2 की वजह से होगा, वैल्यू बताएंगे? K2 थीटा 2 माइनस थीटा 3. K2 थीटा 2 माइनस थीटा 3, फाइन. ओके, और आपको J2 के लिए फ्रिक्शन कॉफिशियंट भी दिया हुआ है B2. सो वी हैव अपोजिंग टॉर्क बिकॉज ऑफ B2, वैल्यू B2 d थीटा 2 dt. d थीटा 2 बाई dt. ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल है. एक आपका टॉर्क क्लॉकवाइज है, बाकी सारे अपोजिंग टॉर्क्स हैं. तो आप सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं. क्या होगी डिफरेंशियल इक्वेशन? K1 थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू सारे अपोजिंग टॉर्क्स का सम कर दीजिए. सो J2 d स्क्वायर थीटा 2 बाई dt स्क्वायर प्लस K2 थीटा 2 माइनस थीटा 3
plus b2 d theta 2 by dt. Okay, so this is second differential equation or torque equation for second inertia element of value j2. In same way, we can define free body diagram for j3. Okay, तो इसी अप्रोच को रहने दे. सेकेंड अप्रोच बतानी है आप लोगों को. No, sir. सर बस केवल ही चेंज होना है. हाँ, बस केवल K1 थीटा 1 माइनस थीटा 2 चेंज होगा. तो K1 थीटा 2 माइनस थीटा 1 होगा और डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, फिर जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे तो सबका सम करके वैल्यू जीरो के इक्वल रखेंगे बिकॉज सारे अपोजिंग टॉर्क्स होंगे. ओके, तो बस केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि जब हम अप्लाइड टॉर्क कंसिडर करेंगे तब हमें वैल्यू कैसे लिखनी है, अगर हम अपोजिंग टॉर्क कंसिडर करेंगे तब हमें वैल्यू कैसे लिखनी है. सेम वे में J3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करिए. आई थिंक अब तो आप बना लेंगे J3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करिए. सेम वे में J3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए. ओके, बना लिया सबने? J3 का फ्री बॉडी डायग्राम सभी ने बना लिया? यस सर. ओके, ठीक है. सो लेट अस सी फ्री बॉडी डायग्राम फॉर J3. ठीक है, मेन डायग्राम आई थिंक आपने नोट किया होगा. सो लेट अस सी फ्री बॉडी डायग्राम फॉर J3. फ्री बॉडी डायग्राम फॉर J3. ठीक है, ओके. J3 के लिए अप्लाइड टॉर्क बताएंगे. J3 के लिए अप्लाइड टॉर्क कितना होगा? अगर अगर हम कॉमन एलिमेंट, हाँ कॉमन एलिमेंट, जो कॉमन एलिमेंट है K2, उसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा अगर हम उसको अप्लाइड टॉर्क कंसीडर करते हैं तो वैल्यू कितनी होगी? K2 कितना? थीटा 2 माइनस थीटा 3. ओके, अब सिंपल है, जैसा आपने सेकंड केस में लिखा हुआ वैल्यू सेम लिख दीजिए. K2 थीटा 2 माइनस थीटा 3. और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन आपको लेनी है अप्लाइड टॉर्क के अकॉर्डिंग, मींस क्लॉकवाइज. ठीक है ना, अपोजिंग टॉर्क्स बताइए. सो फर्स्ट अपोजिंग टॉर्क वी हैव ड्यू टू J3 इटसेल्फ, वैल्यू J3 d स्क्वायर थीटा 3 बाई dt स्क्वायर. फाइन, सेकेंड अपोजिंग टॉर्क K3 did वी हैव ड्यू थीटा 3. हाँ, तो K3 का देखो, K3 का एक एंड तो फिक्स्ड है, तो दैट्स बाई अपोजिंग टॉर्क कितना होगा K3 की वजह से? सिंपल K3 इनटू थीटा 3. ठीक है, फाइन. लास्ट J3 के लिए फ्रिक्शन कॉफिशियंट B3 दिया हुआ है. सो लास्ट अपोजिंग टॉर्क वी हैव ड्यू टू B3, वैल्यू कितनी होगी? B3 इनटू वेलोसिटी. आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है थीटा 3, दैट्स वाई आप वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? डी थीटा 3 बाई डी टी. ओके, सो दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम फॉर इनर्सिया एलिमेंट J3. ठीक है, तो आप टॉर्क इक्वेशन लिख सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग. तो टॉर्क इक्वेशन क्या होगी J3 के लिए? टॉर्क इक्वेशन क्या होगी? अप्लाइड टॉर्क कितना है? K2 थीटा 2 माइनस थीटा 3 इक्वल टू सम ऑफ अपोजिंग टॉर्क्स. तो फर्स्ट वी हैव J3 डी स्क्वायर थीटा 3 बाई डी टी स्क्वायर प्लस K3 थीटा 3 प्लस B3 डी थीटा 3 बाई डी टी. ओके, सो दिस इज थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, और यू कैन से टॉर्क इक्वेशन फॉर
inertia element for third inertia element of value J3. Okay, so in same way we can define modeling of a different rotational mechanical system. ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए. अगर उसने ट्रांसफर फंक्शन पूछा होगा तब आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके फिर ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है. तो यहां ट्रांसफर फंक्शन में भी आपसे बोल सकता है थीटा वन बाई टी बोल सकता है, या थीटा टू बाई टी बोल सकता है, या फिर थीटा थ्री बाई टी बोल सकता है. ठीक है, तो जो भी पूछा जाएगा क्वेश्चन में आप उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. बट मेक श्योर अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना होगा मैकेनिकल सिस्टम के लिए, तो सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन करना है, उसके बाद ही आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं मैकेनिकल सिस्टम के लिए. लेकिन कल हमने इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए जब ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट किया था तो वहां पर हम डायरेक्ट सर्किट के अकॉर्डिंग ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं, बिकॉज आप रजिस्टर का एस डोमेन लिख लीजिए, कैपेसिटर का सेम वे में, इंडक्टर का, और सर्किट में केवीएल, ओम्स लॉ और केसीएल के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. बट मैकेनिकल सिस्टम में ऐसा नहीं है, सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग, उसके बाद ही आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए. नो सर. हाँ, इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए. तीनों क्वेश्चंस में किसी को कुछ पूछना हो, सुबह दो क्वेश्चंस कराए थे ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम के और रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में एक ही क्वेश्चन कराया है, तीनों में किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए. यस और नो? नो सर. ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप ट्राई करिए ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम का, है ना, सभी लोग एक बार कोशिश करेंगे. क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द गिवन मैकेनिकल सिस्टम, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द गिवन मैकेनिकल सिस्टम, for the given mechanical system, also write the differential equation, for the system. ठीक है, fine. Okay, so note down the mechanical system. Okay, तो इसका मीनिंग सबको क्लियर है ना, ये आपका फिक्स्ड एंड है सिस्टम का. ओके, सो फर्स्ट वी हैव मास एलिमेंट m1, स्प्रिंग एलिमेंट k1, फ्रिक्शन कॉफिशियंट. अब उसने b1 नहीं दिया है, f1 दिया है, तो कुछ बुक्स ने b1 लिखा हुआ है, कुछ ने f1 लिखा हुआ है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना. ठीक, नेक्स्ट डैशपोर्ट एलिमेंट वैल्यू b, नेक्स्ट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट k, नेक्स्ट मास एलिमेंट m2, अप्लाइड फोर्स फॉर m2 f(t). ओके, और m2 के लिए फ्रिक्शन कॉफिशियंट वी हैव f2. ठीक, और क्या क्या गिवन होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो फॉर m2 वी हैव डिस्प्लेसमेंट x, एंड फॉर m1 वी हैव डिस्प्लेसमेंट x1. ठीक है, आप नोट कर लीजिए और एक बार आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करिए. सुबह ऑलरेडी हमने ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम के न्यूमेरिकल किए थे. ओके, सो दिस इज लास्ट न्यूमेरिकल फॉर द मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम. बाकी के न्यूमेरिकल मैं आपको एनालॉगस सिस्टम में कराऊंगा. ठीक है.
ओके सभी ने नोट कर लिया। तो सबसे पहले किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है? M2 के लिए, ठीक है। सो जस्ट ट्राई, M2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है? बिकॉज हेयर वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन बॉडी ऑफ मास M2, सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास M2, ठीक है। और M2 के लिए अप्लाइड फोर्स F(t) है, अपोजिंग फोर्सेस सबको क्लियर होंगे, फर्स्ट इनर्सिया फोर्स, सेकेंड ड्यू टू बी, थर्ड ड्यू टू के, फोर्थ ड्यू टू F2, यस और नो? M2 के लिए अप्लाइड फोर्स F(t), अपोजिंग फोर्सेस कौन कौन से होंगे? फर्स्ट ड्यू टू M2, सेकेंड ड्यू टू बी, थर्ड ड्यू टू के और फोर्थ ड्यू टू F2, ठीक है। बनाया किसी ने? हाँ, किस किस ने बनाने की कोशिश की? M2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ठीक है, शिवांश ने बनाया हुआ है, बाकी लोग कोशिश करिए बनाने की। ठीक है, सो लेट अस सी फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास M2। ओके, अप्लाइड फोर्स आपको गिवन है F(t). ओके, चलिए अपोजिंग फोर्सेस बताइए। अपोजिंग फोर्सेस बी, फर्स्ट ड्यू टू मास M2 इटसेल्फ ना? यस सर। वैल्यू M2 इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना होगा? राइट, डी स्क्वायर एक्स, डी स्क्वायर एक्स होना। अच्छा, एक्स नहीं, M2 की वजह से आपको अपोजिंग फोर्स लिखना है, तो उसमें तो केवल मास इनटू एक्सेलरेशन होगा ना, और आपको डिस्प्लेसमेंट एक्स दिया हुआ है M2 के लिए, दैट्स बाय डी स्क्वायर एक्स बाय डीटी स्क्वायर, यस और नो? यस सर। ओके, ठीक है। अब आप कॉमन एलिमेंट्स देखिए, M2 से और कौन कौन से एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, उसकी वजह से भी अपोजिंग फोर्स आपको मिलेगा। M2 से डैशबोर्ड कनेक्टेड है, कॉफिशियंट B, M2 से कनेक्टेड है कॉफिशियंट K, M2 के लिए फ्रिक्शन कॉफिशियंट आपको F2 दिया हुआ है, सो नेक्स्ट अपोजिंग फोर्स बी हाफ ड्यू टू B, नेक्स्ट अपोजिंग फोर्स बी हाफ ड्यू टू K, लास्ट अपोजिंग फोर्स वी हैव ड्यू टू F2। तो B की वजह से अपोजिंग फोर्स कितना होगा, क्या लिखते हैं? कॉफिशियंट इनटू वेलोसिटी। यस सर। और वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? dx/dt। हाँ, ओके फाइन, लेकिन यहाँ B कॉमन एलिमेंट है, x-x1। राइट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आप क्या लिखेंगे? x-x1, बिकॉज यू आर ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास M2, सो यू कैन राइट d/dt ऑफ कितना? x-x1, ठीक है, इतना ठीक है, इतना सब लोग नोट कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट बताइए और क्या, कौन सा अपोजिंग फोर्स होगा? k। हाँ, बिकॉज ऑफ k, चलिए वैल्यू बताइए। kx-x1। राइट, kx-x1, राइट, ओके। अब लेकिन यहां पर क्या है ना, आपको डैशबोर्ड भी दिया हुआ है, फ्रिक्शन कॉफिशियंट भी दिया हुआ है, तो आपको F2 की वजह से भी अपोजिंग फोर्स मिलेगा,
ठीक है, उसकी वैल्यू भी आपको सेम तरीके से लिखनी है जैसा आपने डैशबोर्ड के लिए लिखा हुआ था। तो लास्ट F2 तो x पे लग रहा है ना खाली, m पे। हाँ, m2 के लिए ही है फ्रिक्शन कॉफिशियंट, वो कॉमन, क्योंकि फ्रिक्शन कॉफिशियंट कॉमन नहीं है, वो केवल m2 के लिए है। तो दैट्स बाई F2 की वजह से जो अपोजिंग फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ठीक है, नो सर। एफ ऑफ टी के लिए लिख देता हूं, और वैल्यू कितनी होगी इसकी, एफ टू इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में डीएक्स बाई डी टी। सो वी हैव वन अप्लाइड फोर्स, वी हैव फोर अपोजिंग फोर्सेस, फर्स्ट ड्यू टू मास एम टू इटसेल्फ, सेकेंड ड्यू टू बी, थर्ड ड्यू टू के, फोर्थ ड्यू टू एफ टू। ओके, सो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी अप्लाइड फोर्स इक्वल टू सम ऑफ अपोजिंग फोर्सेस। सो फर्स्ट क्या था, एम टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो अगर आपसे फ्री बॉडी डायग्राम नहीं भी पूछा गया तो डायरेक्ट आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग देखकर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो एम टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस कितना बी डी बाई डी टी ऑफ एक्स माइनस एक्स वन एक्स वन। नेक्स्ट आप लिख लो नेक्स्ट टर्म के के एक्स माइनस एक्स वन, ओके, प्लस के एक्स माइनस एक्स वन, ओके, लास्ट एफ टू डी एक्स बाई डी टी। हाँ, एफ प्लस एफ टू प्लस एफ टू डी एक्स बाई डी टी। ओके, सो दिस इज फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और फोर्स इक्वेशन फॉर मास एम टू, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और फोर्स इक्वेशन फॉर मास एम टू। इन सेम वे वी कैन डिफाइन सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो हाउ वी कैन डिफाइन सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास एम वन। अब एक बार कोशिश करिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको मेन डायग्राम दिखा देता हूं। एक बार कोशिश करिए एम वन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया? हाँ, अब मेन डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, मेन डायग्राम से कोशिश करिए M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की। ठीक है, बनाया सभी ने? सर सर ओके ओके बनाइए। तो बी को आप अप्लाइड फोर्स कंसिडर कर लो, के को अप्लाइड फोर्स कंसिडर कर लो, अपोजिंग फोर्सेस फर्स्ट वी हैव ड्यू टू एम वन, सेकेंड वी हैव ड्यू टू के वन, थर्ड वन, हाँ थर्ड वी हैव ड्यू टू एफ वन। ओके, लेट अस सी फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास एम वन। ओके, जो कॉमन एलिमेंट्स थे एम वन एम टू के लिए, सबसे पहले उनको देखो, बी के, तो बी, सो फर्स्ट वी हैव अप्लाइड फोर्स ड्यू टू बी, तो डायरेक्शन सेम होगी अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग, और वैल्यू कितनी होगी जैसा आपने प्रीवियस केस में लिखा हुआ है। तो कितना लिखा था प्रीवियस केस में, बी डी बाई डी टी एक्स माइनस एक्स, डी बाई डी टी एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो आपको याद भी रहेगा कि हाँ ओके, अगर गलती होगी तो आपको पता है, ओके, जब आप नेक्स्ट मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आपको वैल्यू तो प्रीवियस के अकॉर्डिंग रखनी है, केवल आपको डायरेक्शन चेंज करनी है। तो प्रीवियस में अपोजिंग फोर्स था, यहां पर आप उसको अप्लाइड फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, तो डायरेक्शन होगी अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग। फाइन, नेक्स्ट बिकॉज ऑफ के we have applied force, value same जैसा आपने previous case में लिखा था, kx minus x1, right, kx minus x1,
ठीक है, अब आप अपोजिंग फोर्सेस लिखिए, फर्स्ट ड्यू टू एम वन इट सेल्फ एम वन डी स्क्वायर एक्स वन, एम वन के लिए डिस्प्लेसमेंट एक्स वन है ना? यस सर। ओके, तो एम वन डी स्क्वायर एक्स वन बाई डी टी स्क्वायर। बस आप देखिए, इनर्सिया फोर्स आपको पता है न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, बट यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन नहीं दिया, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो आपको एक्सेलरेशन लिखना आता है डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, तो आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। सेकेंड ड्यू टू के वन बताइए, के वन एक्स वन, हाँ, कॉन्स्टेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट, और के वन का एक एंड फिक्स्ड है ना, इसका मतलब हुआ के वन इंटू एक्स वन। थर्ड भी हाँ, ड्यू टू फ्रिक्शन कॉफिशियंट एफ वन, एफ वन डी एक्स बाय डी टी, फ्रिक्शन कॉफिशियंट केवल एम वन के लिए है, फ्रिक्शन कॉफिशियंट केवल एम वन के लिए है, और हम लिखेंगे कैसे यहाँ डैम्पिंग फोर्स और इस फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कॉफिशियंट इंटू वेलोसिटी। ओके, सो वी हैव डी स्क्वायर एक्स वन बाई dt, sorry, right, dx1 by dt, fine, so with the help of free body diagram for mass m1, you can write force equation or you can write differential equation, so differential equation kya hogi, applied forces, we have two, dono ka sum kar dijiye, so b d by dt of x माइनस एक्स वन प्लस के एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू सम ऑफ अपोजिंग फोर्सेस, सम ऑफ अपोजिंग फोर्सेस, फर्स्ट क्या था एम वन डी स्क्वायर एक्स वन बाई डी टी स्क्वायर, नेक्स्ट क्या था के वन एक्स वन, लास्ट क्या था एफ वन डी एक्स वन बाई डी टी, सो प्लस एफ वन डी एक्स वन बाई डी टी। ओके, सो दिस इज सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन और फोर्स इक्वेशन फॉर मास एम वन। ओके, सो दिस इज सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन और फोर्स इक्वेशन, फोर्स इक्वेशन फॉर मास एम वन। ठीक है, तो होप सो आई थिंक आपको फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर हो। अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। यस और नो? हाँ, किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। ओके, सो मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम क्लियर, मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अगर आपको मैकेनिकल सिस्टम की मॉडलिंग करनी है उस केस में सबसे पहले आपको किस किस एलिमेंट की मॉडलिंग करनी पड़ेगी? जिस पर अप्लाइड फोर्स होगा। राइट, तो आपको मॉडलिंग करनी पड़ेगी मास एलिमेंट की, स्प्रिंग एलिमेंट की, डैशपोर्ट एलिमेंट की फॉर ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम। रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में आपको मॉडलिंग करनी पड़ेगी इनर्सिया एलिमेंट की, स्प्रिंग एलिमेंट की और डैशपोर्ट एलिमेंट की। ओके, विद द हेल्प ऑफ बेसिक लॉज। सेम वे में अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम की मॉडलिंग करनी है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है या फिर आपको ट्रांसफर फंक्शन लिखना है, यू कैन डिफाइन विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, केवीएल एंड केसीएल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के क्वेश्चंस और तो नहीं कराने, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के क्वेश्चंस आपको और तो नहीं कराने? हाँ जी, जल्दी से बताइए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के क्वेश्चंस आपको और तो नहीं कराने? अब नया टॉपिक, हम एक ही टॉपिक, लास्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक बचा है, दो टॉपिक बचे हैं यूनिट वन में, सेकेंड लास्ट एनालॉगस सिस्टम और लास्ट आपका कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन फॉर फॉर
फील्ड कंट्रोल्ड डीसी मोटर एंड फॉर आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी मोटर, आपको उसके लिए ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो अगर अभी मैं नया स्टार्ट नहीं करूंगा, बिकॉज नया स्टार्ट करूंगा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो अगर किसी को प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। सर मैं तो खाली वो फर्स्ट यूनिट का पूछना था जो रह गया था। हाँ, आपको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड में कोशिश करूंगा बताने की, ठीक है। बाकी लोगों को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करेंगे और उसका आंसर सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, आपको नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स बताने हैं और सब लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स आपको बताने हैं, ठीक है। आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप्स बताने हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप्स बताने हैं और आपको नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स बताने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स, नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स, ठीक है। ओके, सिग्नल फ्लो ग्राफ नोट कर लीजिए। सिग्नल फ्लो ग्राफ तो सभी ने पढ़ा है जिन्होंने। सर हाँ जी सर, मुझे एक अनाउंसमेंट करना है, कर लूं क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ, कर लीजिए, तब तक मैं डायग्राम बनाता हूँ। मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, जो भी अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट चेंज कराना चाहते हैं, जिन्हें स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन मुझे रिसीव हुई है, उनके नेम मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया। आज के बाद कोई भी मुझे, अब मतलब कोई भी अगर मुझे मेल करेगा या मैसेज करेगा, मैं किसी की भी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करूंगी। सो प्लीज कोई भी मेरे पास अब इलेक्टिव सब्जेक्ट को चेंज करने की एप्लीकेशन लेके मत आना, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और एक बार कोशिश करिए। नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स कितने हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप्स कितने हैं और नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स कितने हैं। आंसर सब लोग चैट बॉक्स में देंगे। -2, ठीक है। आर तो मैंने बता दिया, सी नहीं बताया ना। ओके, सो लेट अस सी, सी कहां पर होगा। तो दिस इज सी ऑफ एस, ठीक है। 1, आर यू नो रेफरेंस इनपुट, सी ऑफ एस यू नो कंट्रोल्ड आउटपुट, 1/s। आपको केवल नंबर बताना है, आपको फॉरवर्ड पाथ का गेन नहीं बताना है, आपको लूप का गेन नहीं बताना है, केवल आपको नंबर बताना है। हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ्स वी हैव, हाउ मेनी नंबर ऑफ लूप्स वी हैव एंड हाउ मेनी नॉन टचिंग लूप्स वी हैव फॉर गिवन सिग्नल फ्लो ग्राफ। सोर्स इनपुट सबको पता है आर है, ओके। और सिंक नोड सबको पता है सी ऑफ एस, सिंक नोड वी हैव फॉर सी ऑफ एस, सोर्स नोड वी हैव फॉर आर ऑफ एस। हाँ, आप इसको बाद में ट्राई कर सकते हैं, इसका सी बाई आर आप कैलकुलेट करके देखना, लेकिन पहले अगर फॉरवर्ड पाथ्स आप डिसाइड कर लोगे, लूप्स डिसाइड कर लोगे या नॉन टचिंग लूप्स डिसाइड कर लोगे तो इजीली सी बाई आर कैलकुलेट आप कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मेसन गेन फॉर्मूला, ठीक है। किसी का आंसर आया? अगर किसी को सियोरिटी हो तो वो अनम्यूट करके भी बता सकता है। सर फॉरवर्ड पाथ 1, ओके। थ्री लूप, ओके। जीरो नॉन टचिंग, जीरो नॉन टचिंग, ओके। टू नॉन टचिंग भी नहीं है, थ्री नॉन टचिंग भी नहीं है, ओके ठीक है। बाकी लोग बताइए, अभी किसने बताया, शिवांश ने? यस सर। ओके, बाकी लोग बताइए, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स, नंबर ऑफ नॉन टच, नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स। शिवांश लास्ट वाला ध्यान से देख लो, नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स एक बार ध्यान से देखो। अगर आपको नोड लिखना है तो नोड आप लिख लीजिए, इसको 1 लिख लीजिए, इसको 2 लिख लीजिए, इसको 3 लिख लीजिए, इसको 4 लिख लीजिए। नाउ डिसाइड नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स। हाँ जी बताइए, कौन बताना चाह रहा है?
सर नॉन टचिंग भी एक होगा सर कंफर्म बताओ कंफर्म सर एक ही है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स वन कौन सा हाँ नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ आपने आर एस 1 2 3 4 आर वन वन आर से वन फिर वन से टू ओके फिर सर आर से वन वन से सी है सर राइट बस केवल इतना ही है आर से वन वन से सी अगर आप आर से वन जाएंगे वन से टू जाएंगे टू से थ्री थ्री से फोर फोर से वापस फिर थ्री पे आना है और आपको मैंने बोला था कि अगर आप सोर्स से सिंक की तरफ ट्रैवल करेंगे उस केस में इंटरमीडिएट नोड रिपीट नहीं होना चाहिए तो वहां थ्री रिपीट होगा टू रिपीट होगा वन रिपीट होगा तो फॉरवर्ड पाथ एक ही है लेकिन वो फॉरवर्ड पाथ कौन सा है आर टू वन और वन टू सी फाइन ओके ठीक है नंबर ऑफ लूप्स बताइए थ्री कौन कौन से वन टू वन वन टू वन ओके ठीक टू थ्री फोर टू एक मिनट टू थ्री फोर टू ओके टू थ्री फोर टू लास्ट थ्री फोर थ्री थ्री फोर थ्री ओके और इसके अलावा कोई लूप है नो सर पक्का ओके ठीक है नॉन टचिंग नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स एल वन एल टू वन थ्री फोर थ्री नंबर बताओ मुझे नंबर टू नॉन टचिंग लूप में बताओ नंबर केवल वन सर वन वन ओके नॉन टचिंग यू आर सेइंग टू के लिए पॉसिबिलिटी टू नॉन टचिंग यू आर सेइंग वन ठीक है कौन सा है एल वन एल थ्री एल वन एल थ्री आपने इसको एल वन कंसिडर किया एल टू कंसिडर किया एल थ्री कंसिडर किया फर्स्ट कॉम्बिनेशन एल वन एल टू सेकेंड एल टू एल थ्री और थर्ड है आपका एल वन एल थ्री ठीक है L1 L2 नो सर टचिंग टचिंग L2 L3 थ्री कॉमन है टचिंग L1 L3 1 2 1 3 4 3 नॉन टचिंग सो वी हैव 1 2 नॉन टचिंग लूप थ्री नॉन टचिंग लूप्स जीरो जीरो नो सर ओके सो टू नॉन टचिंग लूप वी हैव ओनली 1 और थ्री नॉन टचिंग लूप में केवल एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा थ्री नॉन टचिंग में केवल एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा L1, L2, L3 और तीनों में कोई ना कोई नोड कॉमन है इसीलिए L1, L2, L3 टच करेगा ठीक है तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपने जो क्वेश्चंस देखे थे उसमें C सबसे लास्ट में होता था बट यहां पर केवल C की लोकेशन को चेंज किया तो अगर C की लोकेशन चेंज हो रही है तो ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड पाथ आप पहले लास्ट में जाओगे फिर वापस सी पर आओगे जो रूल था सेम रहेगा आपको ट्रैवल करना है सोर्स टू सिंक और इंटरमीडिएट नोड रिपीट नहीं होना चाहिए इसीलिए फॉरवर्ड पाथ है आर टू वन वन टू सी वन से टू थ्री फोर नहीं जाना है क्योंकि अगर आप फोर तक पहुंचे फिर वापस आपको थ्री पर आना पड़ेगा सी तक पहुंचने के लिए ठीक है सो फॉरवर्ड पाथ वी हैव वन इंडिविजुअल लूप्स वी हैव थ्री two non-touching loop we have only one three non-touching loop we don't have any three non-touching loop ठीक है तो यहाँ तक clear है okay so thank you last class में next class में हम फिर discuss करेंगे analogous system किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए ठीक है okay thank you